क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, हमारा जो अगला डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, यही क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, पॉलीनोमियल का एंड क्वेश्चन था ये, याद आया? यस सर। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल x की पावर 4, ये पॉलीनोमियल आपको दिया गया है, px इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 r, पहला रूट आपको दिया गया है x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और दूसरा रूट दिया गया है x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। तो आपको बताना है, दो जीरोस तो दिए गए हैं, बाकी के दो जीरोस क्या होंगे? मैंने आपको बताया था पहले आपको फैक्टर बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा? तो चलिए बेटा इसका फैक्टर बोले क्या होगा, x माइनस 2 माइनस रूट 3, ये हो गया पहला फैक्टर। इसका फैक्टर बोलिए x माइनस 2 प्लस रूट 3, इसको यहां ले आओ, फैक्टर बन जाता है। अब हमको चाहिए छोटा वाला फैक्टर, बड़ा फैक्टर इक्वल टू छोटा फैक्टर इनटू छोटा फैक्टर, तो दोनों का मल्टीप्लाई करो, बड़े आराम से देखना, x माइनस 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 प्लस रूट 3। मैंने लिखने में थोड़ा सा यहां पर ब्रैकेट ब्रैकेट का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि आपको दिख सके a माइनस बी ए प्लस बी, ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी। अब इससे आपका डी मल्टीप्लाई सरल हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ही जगह कौन बैठा है, तो भैया x माइनस 2 का माइनस b की जगह कौन बैठा है, रूट 3 का a माइनस स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस, हाँ बोलो मानसी, x स्क्वायर माइनस 4 क्या, x स्क्वायर प्लस 4 की माइनस 4 प्लस 4 आगे क्या माइनस क्या रॉन्ग माइनस 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मगर आप कसम खा के बैठे हो कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बात तो वही हुई, माइनस 4x पहले आ जाएगा, लियो माइनस 4x को पहले लिख दो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। तो इसके तीन टर्म होते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, कितने टर्म, तीन टर्म, याद रखना होल स्क्वायर में हमेशा तीन टर्म होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 4x आया समझ में कि नहीं आया, माइनस 2 a की जगह x b की जगह 2 2 2 जा 4 तो 4x हो गया, बोलो हाँ माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना 3। चलो देखते हैं ये हुआ x स्क्वायर माइनस का कितना 4x प्लस का 4 और माइनस का 3 कितना प्लस 1 प्लस का 4 और माइनस का 3 प्लस 1 आ गया, ये आ गया gx, क्या आ गया gx, ये इसके चार टुकड़े, ये इसके दो टुकड़े, बाकी के दो टुकड़े निकालने हैं, तो px में gx का क्या डिवाइड, चलिए करिए डिवाइड, तो px है अपने पास x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35, डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, डिवाइड करेंगे, हाईएस्ट टर्म x की पावर 4, यहां पर x की पावर 2, क्या कितने बार x की पावर 2, x की पावर 2 का मल्टीप्लाई, मानसी यहां देखो x की पावर 2 into x की पावर 2 x की पावर 4 x की पावर 2 into x की पावर 1 कितना 4x cube x की पावर 2 into 1 प्लस कितना अटैक माइनस प्लस माइनस कैंसिल माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस 2x का माइनस का 26x स्क्वायर माइनस का 1x स्क्वायर कितना स्क्वायर माइनस प्लस 138x माइनस 35। चलिए अब हाईएस्ट टर्म यहां का माइनस 2x क्यूब और यहां पर x स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल माइनस 2x, यहां आया माइनस 2x माइनस 2x इनटू x माइनस 2x क्यू माइनस माइनस 2 चौके x इनटू x स्क्वायर, चलिए माइनस का प्लस का माइनस ये कैंसिल, माइनस का 27 और 8 कितना
2x भी आएगा, सॉरी थैंक यू, ये हो गया माइनस 2x, ये भी कितना प्लस, तो ये हो गया 35x स्क्वायर, कहो हाँ 35x स्क्वायर 138 और 2 कितना 140 माइनस कितना 140x भी है, ये x लिख दिया 140x, ओके यस। चलिए अगला टर्म 35x स्क्वायर और यहाँ पर कितना x स्क्वायर कितना प्लस का 35, वेट ये माइनस आएगा तो ये माइनस 35 आएगा, ओके माइनस 35 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड माइनस 35 इनटू x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर माइनस 35 इनटू 4 हाउ मच प्लस 140 माइनस माइनस प्लस 140x और 35 गुणे 1 माइनस 35 चेंज द साइन प्लस माइनस प्लस कैंसिल समाया जीरो, ओके तो आपके पास दो टुकड़े आ गए, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है, तो आप लिख सकते हो कि जो आपका पॉलीनोमियल है वो दो टुकड़ों का मल्टीप्लाई है, फर्स्ट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और दूसरा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, समझ आया, फॉर जीरोस px इक्वल टू 0 मतलब कि इन दोनों टुकड़ों की वैल्यू 0 होगी, तो एक टुकड़ा तो ऑलरेडी 0 था जिससे ये निकाला टुकड़ा, अब ये टुकड़ा 0 करो मतलब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, लिख रहा हूं यहां पे देखो सॉल्व करूंगा अच्छे से, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई पहले नंबर का इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर कितना 35 मल्टीप्लाई करने पर 35 और सम करने पर कितना माइनस 2 5 और 7 35 7 में से 2 गए 5 है ना तो 7 और 5 2 x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 5x 7 में से 5 गए 2 तो माइनस का 7 और प्लस का 5 माइनस 35 इक्वल टू 0 यस कॉमन क्या आएगा कॉमन x ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 7 इनसे क्या कॉमन प्लस 5 ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0 x माइनस 7 दोनों से कॉमन ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 कंपेयर करने पर x इक्वल टू माइनस 5 आपको पूरे मार्क्स दिलाएंगे नोट करिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो पता है नोट करिए